नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गाय की नस्ल के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मैं इस डिस्कशन में बात करूंगा कि किस प्रकार से इस गाय की नस्ल को पहचानेंगे आप, और इस गाय का नस्ल का नाम है गिर। इस गिर गाय के नस्ल की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूँ तो ब्राजील देश के अंदर जो डेयरी सेक्टर है उसके रूप रेखा को एक आयाम देने का काम किया है इस गाय की नस्ल ने। ब्राजील की जो इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है उसमें गिर गाय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और ब्राजील ही नहीं साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात की जाए तो वहां पर जो इस गिर गाय को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ब्राजील में तो एक नस्ल को तैयार किया गया है, एक ब्रीड बनाया गया है जिसका नाम गिरलैंडो है, जिसमें गिर की गाय को यूज किया गया है। तो दोस्तों, इस गाय का योगदान सिर्फ इंडिया ही नहीं, विश्व के कई सारे कंट्रीज में बहुत ज्यादा योगदान है डेयरी सेक्टर को खड़ा करने में। तो आज इसी गाय को किस प्रकार से पहचानेंगे उस बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगा। लगभग 8-10 पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उन पॉइंट को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो इस ओरिजिनल गाय को, असली गिर की गाय को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा गिर गाय की बॉडी कलर के बारे में। तो बॉडी कलर जो इनका होता है वो शाइनिंग रेड हो सकता है, यानी चमकता हुआ लाल, या फिर चॉकलेट ब्राउन कलर के हो सकते हैं। इसके साथ साथ स्पॉटेड व्हाइट हो सकते हैं, व्हाइट कलर के स्पॉट मिल सकते हैं। रेड में, जैसे मैंने शाइनिंग रेड की बात की, तो रेड में कई सारे शेड्स मिल सकते हैं, कई सारे आपको रेड के डिफरेंट जो वेरिएशंस होते हैं उस कलर में हो सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑलमोस्ट व्हाइट कलर के गिर भी मिल सकते हैं, कि पूरा का पूरा व्हाइट या पूरा का पूरा कंप्लीट रेड कलर का। इसके अलावा ओकेजनली व्हाइट कलर के गिर के साथ साथ कुछ रेड स्पॉट्स, इस प्रकार के भी आपको जानवर मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि व्हाइट, रेड या फिर चॉकलेट ब्राउन के साथ मिक्स आपको व्हाइट में हो सकता है। व्हाइट भी कभी कभी ज्यादा होता है बॉडी के अंदर, या कभी कभी रेड वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा होता है। तो ये कलर है, कलर में काफी वेरिएशन होते हैं। कलर के साथ साथ मैं कुछ और भी पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जब आप इनको भी साथ में कोरिलेट करेंगे तो बड़ी आसानी से इसको पहचानना बहुत आसान हो जाएगा इस लेक्चर में डिस्कस किए गए पॉइंट को यदि आप ध्यान में रखेंगे। तो आगे हम बात करेंगे इसके स्किन के बारे में। तो जो इसका स्किन होता है वो काफी लूज होता है, जैसा कि हमने साहिवाल में भी बात किया था, लूज स्किन होंगे। लेकिन लूज के साथ साथ कुछ और भी करेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि अन्य नस्लों से इसको डिफरेंस देते हैं इस नस्ल में। तो जो पहला डिफरेंस है वो तो यह है कि ये अपने स्किन को कहीं भी ट्विच कर सकता है, यानी कोई इंसेक्ट इसके बॉडी पर, इसके शरीर पर आकर जैसे बैठती है, ये अपने उस वाले हिस्से को ट्विच करती है, जैसे कोई चूटी काटा तो उस प्रकार से ट्विच करते हैं जिससे कि वो इंसेक्ट वहां से भाग जाए। तो ये जो ट्विच करने का जो एक गुण होता है वो इस नस्ल में पाया जाता है, इनके स्किन में पाया जाता है। इसके अलावा ये कुछ पदार्थ सिक्रीट करते हैं, सीबेसियस पदार्थ सिक्रीट करते हैं अपने स्किन पर, जिससे कि वो इंसेक्ट रिपेलेंट के तरीके से कार्य करते हैं, ताकि जो भी इंसेक्ट इनके शरीर पर बैठे वो उसको सूंघकर भाग जाए। तो ये भी इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो इसे अन्य नस्लों से अलग करता है। यदि इस ब्रीड की फोरहेड या ललाट की बात की जाए तो इनका जो फोरहेड होता है, ललाट होता है, वो काफी प्रोमिनेंट होता है, बड़े साइज का होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स करने का मतलब है बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और बाहर की तरफ वो इस तरीके से निकलते हैं इसके ललाट कि इसकी आंखों के ऊपर इसकी ललाट जो है वो ओवर हैंग करता है। यानी आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि गिर की जो गाय है उसने अपनी आंख को थोड़ा बंद कर रखा है, लेकिन वो बंद करके नहीं रखते हैं। इसका जो फोरहेड है वो बल्जिंग इस प्रकार से होता है कि वो दिखता है कि आंख बंद करके रखे हुए हैं, और एनिमल इस वजह से थोड़ा स्लोपी, सुस्त सा, ऊंघता हुआ सा नजर आएगा। तो या तो इसकी हमने बात कर लिया फोरहेड के। अब फोरहेड के बाद इसकी आई की बात की जाए तो इसका जो गिर नस्ल की जो गाय होते हैं इनकी आई हुडेड होते हैं। हुड कहने का मतलब है कि जैसे कि हम जैकेट पहनकर उसमें कई बार हुड होते हैं, हम टोपी के तरीके से उससे इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे ही इसकी स्किन के पास भी हुड बनता है। वो हुड बनता है इसके जो आंखों के आसपास की जो स्किन होती है वो काफी लूज होता है, और लूज स्किन होने की वजह से उसकी आंखों के ऊपर भी आ जाते हैं। इस वजह से इनकी आंखों को हम हुडेड आई
इस टर्न से भी कई बार बुलाते हैं। तो इसके आंख के आसपास की जो स्किन होगी वो लूज होगी, ऐसा दूसरे ब्रीड में नहीं पाया जाता है। अब हम इसकी कान की बात करें तो इसके कान भी काफी पिकुलियर होते हैं। इसके जो कान होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, पेंडुलस होते हैं। जब ये गाय चलती है तो इसके कान हिलते हुए से नजर आएंगे और ये फोल्डेड इस प्रकार से होते हैं। इनके काम कान इस प्रकार से फोल्डेड होते हैं कि वो पत्तों की तरीके से ऐसे देखेंगे, देखने से उसका जो शेप है फोल्ड को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई पत्ता ही है बिल्कुल। तो इसके कान की आकार जो है वो बिल्कुल पत्ते की तरीके से नजर आएगी कान जो है। और इसकी कान की और एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो कि मैं हॉर्न के साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं हॉर्न को डिस्कस करता हूँ, हॉर्न के बाद लास्ट में इस स्पेसिफिक पॉइंट को जो कि कान से रिलेटेड है उसे मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं हॉर्न को डिस्कस कर लूँ। इनका जो हॉर्न होता है वो भी काफी पिकुलियर शेप का होता है। हॉर्न जो है बेस के पास बहुत मोटा होता है, ठीक होता है। बेस के पास इनके हॉर्न मोटे होते हैं और बेस से निकलने के बाद इनकी हॉर्न जो है थोड़ा नीचे जाता है, नीचे जाता है, फिर पीछे की तरफ जाता है, नीचे जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, फिर अपवर्ड कर्व ले लेगा यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है इसके हॉर्न के। हॉर्न बेस पर मोटे होंगे, नीचे जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। अब मैं बात कर रहा था इसके हॉर्न के साथ कान का भी एक कैरेक्टरिस्टिक जुड़ा हुआ है। तो इस ब्रीड की यह पिकुलरिटी है, सिर्फ इसी ब्रीड में इस तरीके की फीचर आप देखेंगे कि इनका हॉर्न जहां से निकलता है, इनका हॉर्न का जो ओरिजिन होता है जिस जगह से ये हेड के जिस पार्ट से निकलता है उसी जगह से लगभग जस्ट उसके नीचे से इसके कान की भी ओरिजिन होती है। आप साहिवाल या अर्न नस्ल को देखेंगे तो कान और हॉर्न के बीच में आपको थोड़ा डिस्टेंस, कुछ स्पेस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है। हॉर्न जिस जगह से निकलता है उसके जस्ट नीचे से इसकी कान भी निकल जाती है। हॉर्न भी आप देखेंगे इस जान गिर गाय को तो हॉर्न भी कॉम्पेरेटिवली थोड़ा सर के निचले हिस्से से हॉर्न का ओरिजिन होता है। और सब दूसरे जो आपको यदि आप साहिवाल देखेंगे तो सर पर ही थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से से निकलता है, लेकिन ये थोड़ा नीचे के हिस्से से निकलता है और जहां से हॉर्न निकलता है उसके जस्ट नीचे से इसकी कान निकल जाती है। तो ये बहुत पिकुलियर चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा वो है इसका ड्यूलैप। तो इस ब्रीड का जो ड्यूलैप है वो मॉडरेटली डेवलप्ड होता है यानी कि मीडियम साइज का होते हैं और साथ ही साथ ये पेंडुलस भी होते हैं। हमने जब साहिवाल की बात की थी तो वहां पर जो ड्यूलैप था वो काफी प्रोमिनेंट था और फोल्ड बहुत ज्यादा था। तो फोल्ड तो इनमें भी मिलते हैं लेकिन उतना नहीं मिलते जितने साहिवाल में मिलते हैं, मॉडरेटली डेवलप्ड होता है। इनकी यदि टेल की बात की जाए, इस नस्ल की टेल की बात की जाए तो टेल काफी लंबे होते हैं और जो पूंछ का निचला हिस्सा जिसे कि हम स्विच बोलते हैं वो लगभग लगभग जमीन को छूता सा रहेगा। और इसकी पूंछ की एक और खासियत है कि जब भी इसके शरीर पर कोई इंसेक्ट बैठता है तो ये अपनी पूंछ को चाबुक के तरीके से इस्तेमाल करके उस इंसेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं। इवन इनके पूंछ के अटैक से वो इंसेक्ट मर भी सकते हैं। तो ये इसका एक करेक्टरिस्टिक है। इनके जो कान होते हैं वो भी काफी पेंडुलस होते हैं और फेस के आसपास यदि कोई इंसेक्ट आता है तो वो अपने कानों को भी हिलाकर इस तरीके से अटैक करते हैं कि उनकी जान निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इस गिर गाय की हम्प के बारे में। तो इनका जो हम्प होता है वो भी मॉडरेटली डेवलप होता है। नेवल फ्लैप की बात की जाए तो नेवल फ्लैप भी जो इनका होता है वो मॉडरेटली डेवलप होता है। साहिवाल में काफी ज्यादा डेवलप था, यहाँ पर मॉडरेटली डेवलप होता है। इसके बाद यदि हम अडर की बात की जाए तो अडर इनका लार्ज साइज का होता है और जो शेप होता है अडर का वो राउंड शेप का होता है। और टिट की बात की जाए तो टिट जो है वो सिलिंड्रिकल शेप होता है और जो टिट का जो टिप होता है, लास्ट वाला हिस्सा होता है वो राउंड होता है। इसके अलावा लास्ट में मैं बात करूंगा कि इनका जो हिप बोन होता है वो भी काफी प्रोमिनेंट होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लगभग 8-10 पॉइंट डिस्कस किया। इन सारे पॉइंट को यदि आप ध्यान में रखेंगे, कोरिलेट करेंगे, एसोसिएट करेंगे तो इस नस्ल की गिर गाय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गाय की नस्ल है, इस नस्ल को बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।